हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड हलवा। तो चलिए इस होममेड कस्टर्ड हलवा की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में 1 कप पका हुआ मैंगो ले लेंगे। इसके बाद 1/2 कप चीनी ले लेंगे और 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक बोल में डाल देंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसे विस्कर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लें। अब एक पैन में इस मिक्सचर को डाल दें और गैस का फ्लेम ऑन कर दें। फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि हमारे कस्टर्ड पाउडर नीचे से लगे ना, और इसे लगातार 10 से 15 मिनट तक चलाते रहेंगे। इस मैंगो कस्टर्ड हलवा को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसे 5 मिनट तक चलाते रहें। इसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें। इसे लगातार चलाते रहें। अब इसके बाद इसमें हम कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे। देखिए, पहले से इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये ठीक भी दिख रहा है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे और इसे चला लेंगे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी कर घी इसे ऐड करते रहें इस तरीके से और इसे चलाते रहें। यहाँ पर हमने टोटल 3 से 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं यहाँ पर और 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लें। देखिए, हमने और 1 चम्मच यहाँ पर घी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। हमारी जो हलवा है वो लगभग बन चुकी है। हम इसे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहनी चाहिए। देखिए, ये एकदम जेली की तरह दिख रही है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे सेट करने के लिए एक कंटेनर में फॉइल पेपर लगा के इसे हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो घी से 1 प्लेट को ग्रीस कर लीजिए और इसमें हलवा को डाल दीजिए और 3 से 4 घंटे तक इसे सेट होने के लिए रहने दीजिए। देखिए, हमने हलवा को कंटेनर में डाल दिया है। अब स्पैचुला में थोड़ी सी घी लगा लें और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। इससे आपको स्प्रेड करने में आसानी होगी। अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई काजू और बादाम डाल दें और इसे 3 से 4 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, हमारी हलवा सेट हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे आप अपने मनचाहे शेप में इसे काट लें और इसे लगभग 8 से 10 दिन तक आप रख कर खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर में बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।